बेटा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कक्षा 8 हिंदी माध्यम विषय गणित स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बच्चों। तो इसमें हमारा 11.1 अभी चल रहा था, अब 11.2 हमने स्टार्ट कर दिया। तो 11.1 और 2 में जैसे मैंने आपको बताया था कि कई प्रकार की आकृतियों के ऊपर हमने सवाल किए हैं, जैसे मैंने आपको त्रिभुज के ऊपर भी समलंब चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, कई आकृति जैसे दिया गया है उसके ऊपर हमने क्वेश्चन किए हैं, क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम 11.2 प्रश्न क्रमांक लिया है। पहला क्या लिखा हुआ है, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। ओके, विकर्ण आप जानते हैं बेटा, विकर्ण क्या होते हैं, किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, एसी बीडी मान लीजिए नाम दे दिया, तो दो विकर्ण होते हैं। और विकर्ण की परिभाषा क्या है कि विकर्ण आपके दिए गए हैं मान लीजिए चतुर्भुज में, यदि मान लीजिए विकर्ण आपस में उनकी दूरी जो है लंबाई बराबर हो जाए तो फिर विकर्ण की बजाय आयत में आपका परिवर्तित हो जाता है ना, तो विकर्ण बराबर होने पर कैसा। अब इसमें विकर्ण हम जैसे अभी बात कर रहे हैं, जैसे सम चतुर्भुज है मान लीजिए और एसीबीडी मान लीजिए विकर्ण है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये आपको थोड़ा सा सम चतुर्भुज का चित्र बताया है, ये आपकी एच ऊंचाई है, चार भुजाएं है, तो चारों भुजाएं सम चतुर्भुज मतलब क्या होगा, समान भुजाओं से घिरी आकृति, यानी समान सम चतुर्भुज का मतलब क्या होगा, सभी भुजाएं इसकी बराबर है ना। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपका क्या दिया है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, विकर्ण आपको दिए गए, तो सम चतुर्भुज में विकर्ण दिए गए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, सम चतुर्भुज के विकर्ण है आपको क्या निकालना है, सम चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण को पहले को अपन d1 मान लेते हैं, d1 विकर्ण आपका कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर और d2 आपका कितना 50 सेंटीमीटर, या विकर्ण हो गए है ना, d1 आपका कितना हो 40 सेंटीमीटर और d2 दो विकर्ण है तो अपन ने d1 d2 इनको नाम दे दिए। अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम जानते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 d1 × d2 या आपका सूत्र होता है 1/2 × d1 d2। हम क्या कर रहे हैं, 1/2 क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 d1 कितना है 40, d2 कितना है 50, नोट कर देंगे 1/2 × 40 × 50, तो यह क्या हो जाएगा, भाग करेंगे 2 × 2 = 4 = 20, 50 और 20 का हम गुणा कर दें तो कितना आया 5 × 2 = 10, 1000 वर्ग सेंटीमीटर, क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में जाएगा है ना, वर्ग में जाएगा, भुजा होगी तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही रहेगी, लेकिन क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल आपका सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग में चला जाएगा। तो बहुत सिंपल है, अब हमें क्या निकालना थी, अतः सम चतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ जाएगा है ना, आपका क्या आ गया, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका क्षेत्रफल आ गया।
तो ये बहुत सरल है, सिंपल है और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा आ रहा होगा, क्योंकि कुछ नहीं दिया था। जैसे मान लीजिए देखिए समचतुर्भुज है, विकर्ण दिए हैं, अब विकर्ण को हमने क्या दे दिया d1 d2 विकर्ण का नाम दे दिया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ 1/2 * d1 d2 ओके। तो 1/2 बटे 40/50 40 किलो का भाग इस बार का है 20/500 1000 स्क्वायर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका निकल गया। इसी प्रकार से इसमें हल करना है। अब जैसे इसमें समचतुर्भुज के ऊपर भी दिए हैं आपके, और किस किस में दिए हैं, समचतुर्भुज के ऊपर भी दिए हैं आपके, समलंब चतुर्भुज के ऊपर भी आपके प्रश्न दिए हुए। तो समलंब चतुर्भुज का भी आपका क्षेत्रफल निकालना है। ये समचतुर्भुज था, समचतुर्भुज में मान लीजिए विकर्ण दिए हैं और क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपल है 1/2 d1 d2। अच्छा एक और चीज मान लीजिए समचतुर्भुज है उसमें क्षेत्रफल दिया है, एक विकर्ण दिया है दूसरा निकालना है, तो बहुत सिंपल क्या करेंगे, क्षेत्रफल दिया है एक विकर्ण आपको निकालना है मान लीजिए d1 d2 निकालना है, तो d2 में अपन क्या करेंगे d1 की जो आपकी मान लीजिए d1 दिया है वो हम क्षेत्रफल में d1 का डिवाइड यानी भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो ये आपका d2 निकल जाएगा। इसी प्रकार से अब समलंब चतुर्भुज भी निकालना है, तो समलंब चतुर्भुज निकालेंगे, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी मैंने आपको बताया था 1/2 और समांतर भुजाओं का योग और बड़े ऊंचाई। अब जैसे मान लीजिए समानांतर चतुर्भुज है, समझ लीजिए सपोज करिए समानांतर चतुर्भुज है, इसी को मान लो ये समांतर चतुर्भुज है मान लीजिए, इसमें सामने की भुजाओं का योग करेंगे, सामने की भुजाएं मतलब मान लीजिए जी आपकी सी डी है और ये ए बी है, तो इसकी दूरी मान लीजिए 10 है इसकी 10 है तो ये 20 जोड़ देंगे, और जो ऊंचाई है एच इसका हम गुणा कर देंगे। समझ में आ रही मेरी बात, जैसे सपोज करिए ये आपका पिलर बना हुआ है, यहां से ये आपका फिगर बना है, ये इसमें जो एच ऊंचाई है वो आपकी क्या है एच ऊंचाई। अब मान लीजिए समलंब चतुर्भुज है तो समानांतर भुजाएं, इसमें मान लीजिए ये आपकी समानांतर भुजाएं, ये आपकी 20 है ये आपकी 10 है ये आपकी 10 है, ऊंचाई आपकी मान लीजिए कितनी है सपोज करिए 5 सेंटीमीटर है जो भी है एक्स वाई एक उदाहरण के लिए, तो ये मान अब आपकी ये ऊंचाई है समानांतर भुजाओं का योग, तो 20 और 10 को जोड़ देंगे गुणे 5 और 1/2 तो ये आपका समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको आकृति बनाई है एक उदाहरण के लिए समझाने के लिए ठीक है। तो जैसे समानांतर भुजाएं आपने सामने की भुजा को जोड़ेंगे और ऊंचाई का गुणा करके 1/2 ये आपका समानांतर चतुर्भुज निकल सकता है। तो अब नेक्स्ट फिर कल करेंगे आपसे चर्चा करेंगे और नई आकृति नए त्रिभुज चतुर्भुज के ऊपर आपसे फिर चर्चा करेंगे टॉपिक पर, तब तक के लिए बेटा गुड बाय थैंक यू।